राधा ब्रजंग सुत संगम रंग चर्यां वर्जं विनिश्चितवती निखिलोत्सवेभ्य तां गोकुल प्रिय सखी निकुरम्बमख्यां देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि देवीं गुणैषु ललितां ललितां नमामि। राधा और गोविंद को परस्पर मिलाना ही जिनका कार्य है, उनका मनो विनोद करती है दोनों को मिलाकर। राधा जी का तनिक भी कष्ट नहीं देख सकती, तो उनका ये अभीष्ट कार्य है किस प्रकार से राधा और गोविंद को मिलाना। यद्यपि वे सखी हैं, सखी माने ललिता जी राधा जी की सखी है बराबर की, उनको जूथेश्वरी भी कह सकते हैं, जूथेश्वरी होने का सब गुण है। यदि भद्रा जूथेश्वरी हो सकती हैं, यदि श्यामला जूथेश्वरी हो सकती हैं, यदि चंद्रा इत्यादि जूथेश्वरी हो सकती हैं, तो ये क्या है, समस्त गोपियों की जूथेश्वरी ये है। गुण होते हुए भी सखी नहीं, उनकी सेवा करने वाली अपने को समझ। इसलिए हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा है, क्या कहा है, पादाब्ययोस्तव बिना वरदास्यमेव नन्यत्वापदापि समये किल देवि जाति सखाय ते मम नमस्तो नमस्तम दूर से आर दास्याय ते मम रतो। यदि कृष्ण द्वारका चले जाएं, कोई भी बात नहीं, राधा जी जा रहेंगी हम उनकी सेवा करेंगे, और राधा जी भी किसी प्रकार से चले जाएं तो मन की बेग से वहां उड़ करके जाएंगे उनकी सेवा करने, ऐसी शक्तियों की भावना होती। तो उनको सखित्व के लिए प्रणाम है, दासित्व के लिए मनोवासना है, ललिता जी उसको पूर्ण करने वाली है।